के इतिहास में बताते हैं किसी पार्टी को इतना भारी बहुमत नहीं मिला जितना आप लोगों की आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिलने लगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो 70 में से 67 सीट आई, इतना भारी बहुमत आया, ये गरीबों की वजह से, मजदूरों की वजह से हमारी इतनी सीट आई। गरीबों ने हमको वोट दिया, अमीरों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया। सरकार बनाने के बाद जब से सरकार बनी है खूब काम किए। सबसे बड़ा आरोप आज हमारी पार्टी पे, हमारी सरकार पे लगता है। ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं अरे ये तो गरीबों की पार्टी है, 24 घंटे इनके ऊपर, इनको केवल गरीबों की सूझती है। हाँ हम गरीबों की पार्टी है, सब तरह हमें फख्र है कि हम नीरव मोदी की पार्टी नहीं है, हम अंडाली की पार्टी नहीं है, हम मानी की पार्टी नहीं है, हम विजय माल्या की पार्टी नहीं है, हम इन मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। हमारे ऊपर आरोप लगता है इनको तो जब देखो कभी बिजली सस्ती कर देते हैं, कभी पानी मुफ्त कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है कि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है दिल्ली का तो वो है गरीब व्यक्ति, गरीब बड़े खुश है, मजदूर बड़े खुश हैं। क्यों? अब उनके घर में पैसे बचने लग गए। बिजली के कम से कम 2500-3000 रुपए महीना लोगों का बचने लग गया। बच बिजली के बिल किस किस के कम हो गए, जगह हाथ में बैठे बता दो, ये टीवी वाले दिखा दो। अरे मोड़ दो यार कैमरा, दिखाओ के लिए कैप्चर बता दो। पानी के लिए किस किस के बोले तो गए, जगह से हाथ खड़े बैठो। कम से कम 3-4 हजार
डट के और पीछे पढ़ पढ़ के उन्होंने कमेटी बनाई। आप लोगों को पता है रोज अखबारों में पढ़ते हो जिस तरह से हर कदम के ऊपर ये लोग अड़चन लगा रहे हैं। फिर कमेटी ने 5 महीने में कमेटी भी बता दिया, कमेटी बनती है जी न्यूनतम मजदूरी के लिए, उसमें अफसर होते हैं, उसमें मजदूरों के नुमाइंदे होते हैं और उसमें उद्योगपतियों के और व्यापारियों के नुमाइंदे होते हैं। ट्राइपार्टाइट कमेटी बनी हुई है, अब वो आपके ऊपर है। कमेटी हम ऐसी भी बना सकते थे, ऐसे ऐसे आदमी डाल देते जो कहते जी 2700 कैलोरी के लिए तो इतना ही पैसा चाहिए, 9500 की भी जरूरत नहीं, 8000 का, ऐसी भी कमेटी बना सकते। हमने ऐसे लोग रखे कमेटी के अंदर जो मजदूरों के हित की बात करते, मजदूरों के भले की बात करते, जिनके दिल के अंदर मजदूरों का दर्द है, ऐसे लोगों को कमेटी में रखा। अप्रैल में कमेटी बनी थी, अगस्त में उसने रिपोर्ट दी, एलजी साहब को हमने रिपोर्ट भेजी। एलजी साहब ने पता है फाइल पे क्या लिखा? एलजी साहब ने लिख दिया ये जो कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाने के पहले हम आपने मेरी अप्रूवल नहीं ली। हमने कहा जी अब ले रहे अप्रूवल, अब दे दो, अब फाइल भेजी तो है आपके पास, मैं खुद गया एलजी साहब के पास, आप जोड़ के मैं खड़ा हो गया एलजी साहब के पास। मैंने कहा जी गरीबों का मामला है, दुआ देंगे आपको, पुण्य लगेगा आपको। एलजी साहब ने माना, उन्होंने फाइल पर लिख दिया कमेटी के बनाने के पहले आपने अप्रूवल नहीं ली, दोबारा बनाओ। इतनी हिटलर शाही भाई साहब मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आप लोग मैंने भी बड़े करे और बहुत बड़े बड़े अन्याय के खिलाफ लड़े, लेकिन इस तरह की हिटलर शाही मैंने नहीं देखी। एलजी साहब ने फाइल पे कमेटी बर्खास्त कर दी, सारी उसकी सिफारिशें बर्खास्त कर दी, बोले दोबारा बनाओ, यही कमेटी बना लो, दोबारा बनाओ। हमने दोबारा कमेटी बनाई, वही आदमी रखे, सेम टू सेम, एक चीज बदला, वही आदमी रखे। उस कमेटी ने फिर 4 महीने वही काम किया, वही मीटिंग करी, सेम टू सेम, और फिर उसके बाद वही सिफारिशें दी, सेम टू सेम। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद दोबारा सिफारिश करी एलजी साहब के पास, अब एलजी साहब ने साइन कर दिया। ये क्या दिखाता है? गरुड़ है, सत्ता का गरुड़ है, भंड है। पहले कर लेते 27 अगस्त के महीने में, 6 महीने बच जाते कि नहीं बच जाते? सत्ता के नशे के अंदर जिस तरह से उन्होंने किया, बहुत गुस्सा आया मेरे को, बहुत ज्यादा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं गरीबों के लिए, हम जिस तरह से अंदर लड़ रहे हैं आपके बिजली के रेट कम कराने के लिए, इतना लड़ना पड़ता है, इतना लड़ना पड़ता है हमारे पास। इनका बस चले बिजली कंपनियों को दुगनी कर दे, बिजली के रेट के लिए इनका बस चले, पानी कंपनियों के रेट डबल कर दे, बिजली के अंदर लड़ना पड़ता है, खून का भीख भी किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपके रेट बढ़े, मिनिमम वेज बढ़े 13,500 रुपए, मुझे बेहद खुशी है। आज कई सारे मजदूर है जिनको 13,500 रुपए के हिसाब से रेट मिल रहा है, लेकिन कई सारे मजदूर है जिनको नहीं मिल रहा, गलत तरीके से। बहुत सारे लोगों को भी नहीं मिल रहा, मेरे को कई सारे लोग मिलते हैं, वो बताते हैं जी रेट तो बढ़ा दिया आपने, ठेकेदार अपने बिल लगाता है 13,500 रुपए के हिसाब से लगाता है, हाथ में वही 4,000 रुपए होता है, और झूठे बिल पे साइन कराने का कराता है कि नहीं कराता। और कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं गोरख धंधा बना रखा है डिपार्टमेंट वालों ने, कई सारे डिपार्टमेंट में हर एक साल के अंदर मजदूर निकाल कर नए मजदूरों की भर्ती होती है। क्यों होती है? अब नए वालों से पैसे लेते 3,000 रुपए भर्ती करने के लिए लेते हैं नए मजदूरों। हमने कैबिनेट में फैसला करा, हमने कहा कोई नए मजदूरों की भर्ती नहीं होगी, चल रहा है अगर अच्छा काम कर रहा है क्यों करते हो पैसे कमाने, इसको भी बंद करेंगे। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, पूरे दिल्ली के अंदर आज बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जो मजदूरों को पूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे। आज इस मंच के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ
ये तो सुधारना आता है हम लोगों को। अभी हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा है न्यूनतम मजदूरी जो हमने 13,500 रुपए करी उस पे तो हाईकोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी भी कंपनी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अगर कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। मैं उम्मीद करता हूं हाईकोर्ट का जजमेंट जल्दी आएगा। मुझे बताया गया, मैं इस मामले की पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं, वकीलों ने मेरे को बताया कि हेयरिंग पूरी हो गई है, जल्दी फैसला आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है हाईकोर्ट मजदूरों के हक में फैसला देगा, और जिस दिन फैसला आ गया भाई साहब मैं उतरूंगा सड़क के ऊपर, जो ठेकेदार पूरी मजदूरी मिलेगा सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, हमारे संघों की कोशिश है, जितने मजदूर भाई गरीबी में जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनके पास चारा नहीं है। हम नहीं चाहते बड़े होकर आपके बच्चे मजदूरी करें, हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने। इसलिए हम शिक्षा के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का कायापलट हो रहा है, आज सारे देश के अंदर चर्चा है कि दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। आज यहां जितने मजदूर हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से बाकी दिल्ली के मजदूरों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, चाहे एक टाइम की रोटी पानी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए, पहले आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता था, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गड़बड़ था। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी शिक्षा माफ हो गई है। 12वीं क्लास तक की सारी शिक्षा माफ कर दी, 12वीं के बाद आपके बच्चे जब कॉलेज जाएंगे तो उनके लिए लोन की व्यवस्था कर दी, 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजो अपने बच्चों को, अच्छे से अच्छे कॉलेज में भेजो। हमने व्यवस्था करी है 10,00,000 रुपए तक का लोन ले लेना सरकार से, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई जमीन गहने कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार आपकी गारंटी देगी। और जब आपका बच्चा पढ़ लिख के निकल जाएगा और जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब वो लोन वापस कर सकता है, तब तक लोन वापस करने की जरूरत नहीं। तो अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर, ये बात गांठ मान लो, अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखना। कई बार गरीबी की वजह से कई लोग सोचते हैं बच्चों को चलो कम उम्र में नौकरी पे लगा दो, छोटा मोटा कमा के ले आएगा। ये मैं जब एनजीओ में काम किया करता था, झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, कई लोग मिलते थे मेरे को, वो कहते थे कि सरकारी स्कूल में भेज के क्या फायदा है, बच्चा खराब होएगा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, इससे अच्छा उसको नौकरी पे लगा लो, दो पैसे कमा के लाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब पढ़ाई लिखाई होती है सरकारी स्कूल के अंदर, अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है। पिछले साल हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए थे, सरकारी स्कूलों के नतीजे आए थे 88%, प्राइवेट स्कूलों के नतीजे आए थे 78%, सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होने लगे। तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, ये जरूर करना। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करनी है, ये बहुत गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, इसको खत्म करना है। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता, दोस्तों ये कहते थे दिल्ली में बिजली सस्ती नहीं हो सकती, जब हम चुनाव लड़ते थे ना मैं घर घर जाया करता था, आपको तस्वीर भी याद होगी अखबारों में छपी थी, मैं पोल पे चढ़ गया था, याद है आपको, मंगोलपुरी नहीं पे लगा था, हम मंगोलपुरी में, ये कहते हैं बिजली की रेट सस्ते नहीं हो सकते दिल्ली में, हमने कर दिया, ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, हमने कर दिया, ये कहते थे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, हमने करके दिखाया, ये कहते हैं दवाइयां टेस्ट ऑपरेशन
बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिल्ली वालों के हक में आएगा, जनतंत्र के हक में आएगा, डेमोक्रेसी के हक में आएगा। हक में आता है तो हम पूरे देश में दिखा देंगे कि कैसे पक्का करते हैं मजदूरों के हक की लड़ाई कैसे लड़ते हैं, और अगर नहीं आता तो मैं भी आपके साथ खड़ा होना और आंदोलन करूंगा आपको।